डॉक्टर नहीं मतलब करते। होता है अल्लाह ने चाहा तो। हाँ तो हम भी तो कर रहे हैं, जय श्री राम, राम ने चाहा तो। लास्ट कार्ड खेल दिए हैं हिंदू मुस्लिम वाला। मैं तो जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से मैं हिंदू हूं। बाहर हो रहे थे तो ये फेंक दिए हैं कार्ड। इसके लिए एक नंबर पे क्या है, यहाँ का समस्या है या मस्जिद मंदिर है? देखिए आप बताइए, जमीन आप बताइए, दो चार अंदर बैठते हैं लोग। आप ही बनवा दीजिए, चार मंजिला पांच मंजिला। अगर सहयोग होगा तो हम करेंगे, सहयोग मांगे तो दिया जाएगा, हम देंगे, बनवाइएगा सहयोग मस्जिद वाला। और जिस चीज के लिए सारा हिंदू मुस्लिम इलेक्शन से पहले ही आ जाता है, हम देखते हैं। आपका भी सेम लड़ाई यही है। अच्छा एक बात बताइए जी, जो है हमारे लिए और सिवान के नौजवान साथियों के लिए, इनकी छवि जो है युवा से कम, अति योगी से कम नहीं दिखती है। अरे बाप रे, तो बहुत खतरनाक बात बोल दी है आप, ये तो बहुत बात हो जाएगी। नगर परिषद सिवान में आप सबका स्वागत है। आने वाला 28 तारीख वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है, सबको इंतजार है। 28 को नहीं, 30 को और लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। ये देखिए संगीता देवी, चुनाव चिन्ह टाइप राइटर छाप, ईवीएम के 11 नंबर पे हैं। बबलू शाह जी हैं, स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप 28 तारीख को वोट जरूर दें, ताकि ये लोकतंत्र का पर्व है, वोट देना देने से अच्छे प्रत्याशी की जीत होती है, और जरूर वोट देकर आए तब खाना खाएं। लेकिन एक ये हिंदू मुस्लिम आप ला दिए इसमें, ये कहाँ तक सही है? अच्छा ये बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम लाया है? मैं हिंदू हूँ, बहुत सारे चौराहे, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कर हिंदू, तो क्या इसमें डर है भाई? नहीं तो फिर एक बात बताइए, आप मेरे मंदिर का जितना मान सम्मान करेंगे उतना ही मैं आपके मस्जिद का मान सम्मान करूंगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बहुत सारे लोग चौराहे पे, हम सुन रहे थे कल आपका वीडियो जो आया है, कह रहे थे कि अब बबलू शाह के पास लास्ट कार्ड खेल दिए हैं हिंदू मुस्लिम वाला। मैं तो जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से मैं हिंदू हूं। बाहर हो रहे थे तो ये फेंक दिए हैं कार्ड, जन्म से हिंदू हूं। कह रहे लोग कि चलेगा नहीं सिवान में, हमेशा मैंने जन्म से हिंदू, हमेशा इसी पर बात किया हूं, कोई कुछ दूसरा बात नहीं किया हूं, शुरू से लास्ट तक हमेशा। तो ये तो ठीक है ना, मुद्दे पे बात किया जाए, जो मुद्दा बोलिए, मुद्दा पूछिए। आप बोला था कि बाहर में लोग नमाज पढ़ता है, अंदर में जगह कम होता है तब ना लोग बाहर में नमाज पढ़ता है। वही तो बोल रहा हूँ, बाहर क्या बोल रहा हूँ मैं, बाहर पढ़ना मतलब हमारे मुस्लिम भाई के लिए सम्मान का बात नहीं हो। जगह आप बताइए, जमीन आप बताइए, दो चार बता रहे हैं, पांच साल पहले यही बट्टा मोड़ के पास जो मस्जिद था वहाँ पे भी बाहर लोग पढ़ते थे लोग, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका से बहुत ऐसी मस्जिद का निर्माण हो गया, आज देखिए तो सब लोग अंदर बैठते हैं लोग। आप ही बनवा दीजिए, चार मंजिला पांच मंजिला। अगर सहयोग होगा तो हम करेंगे, सहयोग मांगे तो दिया जाएगा, हम देंगे, बनवाइएगा सहयोग मांगेंगे तो देंगे, मांगिए तो पहले मांगिए, देंगे पक्का देंगे। मांगिए क्या, कौन मंदिर नमाज पढ़ने सहयोग, अगर हमारे भाई लोग सहयोग मांगे तो पक्का बबलू शाह सहयोग करेगा, मंदिर भी बनाते हैं लोग, सहयोग मांगे हम देंगे, पहले मांगे तो। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या खास है, आपका जो घोषणा पत्र है इसमें क्या क्या अलग है? इसमें बहुत चीज खास है कि मैं अपने 4 साल के कार्यकाल में जो जो मैंने कमी देखा नगर में, उस सारे कमी को दूर करने की सुविधा दूर करने के लिए प्रयास किया, और ये जो भी मैंने इसमें डाला है सब के सब लीगल है, कोई इनलीगल नहीं है, सारा काम नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, मैं सारा काम करके दिखाऊंगा। वार्ड पार्षद पहले आप रह चुके हैं, 2 बार संगीता जी वार्ड पार्षद थी, 3रा बार मैं वार्ड पार्षद बना और वाइस चेयरमैन बना। आइडियल अपने वार्ड को आप बना पाए हैं? जाकर देखिए मेरे वार्ड में एक नंबर पे आता है पूरे एक नंबर में, मेरे वार्ड में कहीं भी रोड नाली बाकी नहीं है, कहीं भी रोड नाली नहीं है, सारा का सारा रोड नाली बना चुका हूँ, पतली पतली गली, जिस वार्ड में रिक्शा नहीं घुसती थी आज टेम्पू घुसती है, इसी गली में जाकर देखिए, आप आते हुए तो पूरा जाम लग जाता है, सही तरीका से मैं नाली बनाकर दिखाया है। जिस वार्ड में आज सिवान शहर में 20 लाख रुपया धूर जमीन बिकता है, इस मोहल्ला में 20 से 25 लाख धूर बिकता है, लेकिन फिर मैं 2 मंजिला समुदाय भवन बनाया, 20 से नाली बहता है, और समुदाय में बनाए कि गरीबों का बेटी का शादी ब्याह हो जाए, इसको बोलते हैं विकास। हम चेक करेंगे आपका विकास, एक एक चीज चेक करिए, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे होंगे तो जो आप इतना सारा वादा कर रहे हैं, एक एक चीज ये जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, एक एक चीज चेक करिए। हाँ एकदम बिल्कुल, हम सर्वे करेंगे, करिए। जिला परिषद पति, स्वागत है सर हमारे चैनल पर, आपको भी आपके नेताजी को ही आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग इसमें अपने ही होते हैं, उसके बावजूद भी बबलू शाह ही क्यों? देखिए बबलू शाह मेरा पुराना मित्र है,
16-17 बरस हो गया हम लोग एक साथ एक मुद्दा और एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते आए हैं, और बबलू शाह बिल्कुल क्लीन और कोरा कागज़ जैसे रहे। 4 साल डिप्टी चेयरमैन भी रहे, कोई FIR नहीं, कोई घोटाला में नाम नहीं, इसलिए मैं बबलू शाह को मदद कर रहा हूँ। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है मस्जिद वाला, और जिस चीज़ के लिए सारा हिंदू मुस्लिम इलेक्शन से पहले ही आ जाता हम देखते हैं, आपका भी सेम लड़ाई यही है। अच्छा एक बात बताइए जी, मेरा नाम हेमंत सिंह कुशवाहा है जी, तो हम कहने में क्यों हिचकेंगे ये बताइए, आप ही बताइए। बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप इंशाल्लाह कह के वोट मांग सकते हैं, तो हम जय श्री राम कह के वोट नहीं मांग सकते हैं? कौन मांग रहा है इंशाल्लाह कह के? आप जाके देखिए, बताइए, आप न्यूज में देखिए, आज आप भी क्लिप देखिए, क्लिप देखिए और न्यूज देखिए, बिना बोले हम नहीं मांग सकते। नहीं मतलब होता है अल्लाह ने चाहा तो। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं जय श्री राम, राम ने चाहा तो। लेकिन ये बात है कि जो लोग नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, एक सप्ताह में एक बार होता है नमाज जी, और कितना हमको तो नहीं लगता है जितना आप लोगों को दिक्कत है, आम लोगों को दिक्कत होती है जी। दिक्कत तो सबको है, खुश रहता है, मस्त रहता है, बिंदास रहता है, दिक्कत तो सबको होती है, लेकिन ऐसा नहीं, लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं ऐसा तो बात नहीं, नेता जी लोग को स्पेशल दिक्कत होगा, जनता का ही आवाज में नेता उठाते हैं। कोई आप लोगों के लिए पॉल्यूशन मुद्दा है कि नहीं? दो नंबर पे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, देखिए देखिए ये है कि नहीं, इसमें मुद्दा लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए पढ़ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले जुमला ही रह जाता है इसको रजिस्टर, इस पे ये क्या क्या होता है ना कोर्ट वोट में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग खड़े नहीं उतरिएगा तो अगले बार वोट मांगने नहीं आएंगे। नहीं वोट मांगने नहीं, कुछ होता है कोर्ट में, कोई हमको केस कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, इस पर नहीं उतरेंगे खड़ा तो जाके FIR कर दीजिएगा, अगले बार वोट मांगने नहीं आएंगे आपसे, डंके के चोट पर कहता हूँ जी। अगर बबलू शाह इस पर खड़े नहीं उतरे तो हम भी इनके विरोध में अगले बार रहेंगे, डंके के चोट पर कहता हूँ। ठीक ठीक, विश्व हिंदू परिषद, वाकई कुछ लोगों के लिए ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और कुछ लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा रौनक गायब हो जाता है, क्या कहेंगे? ये नाम जो है उन लोगों के लिए है जो असामाजिक तत्वों से बिलोंग करते हैं। जो असामाजिक तत्वों से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए नाम जो है शान है। शान है तो क्या है अभी ये जो सीमान की लड़ाई है, इनमें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा विकास है। विकास है, विकास है। नेताजी तो आप मस्जिद मंदिर की बात कर रहे हैं, तो जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं, जिस कार्य एथी से संगठन से बिलोंग करते हैं, वो तो छुपा नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला मंत्री रह चुके हैं, तो उनको कहने में क्या दिक्कत है? सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, इसमें कोई बुरी बात। लिए एक नंबर पे क्या है, यहाँ का समस्या है या मस्जिद मंदिर है? देखिए यहाँ का समस्या एक नंबर है, विकास एक नंबर है, और जाम भी एक नंबर है, और पोल्यूशन भी एक नंबर है। हम लोग के लिए सब जितना भी हमारा 11 जो दिए हैं मैनिफेस्टो, वो हमारे लिए सब एक नंबर है, कोई दो नंबर नहीं है, और हम लोग जीतने के बाद सभी पर काम करेंगे 100% दावे के साथ। चलिए और विकास करके दिखाएंगे सीवान की जनता को। अगर जनता हम लोग को 11 नंबर 28 तारीख को VM पर अगर अपना बटन दबाती है, मत देती है, तो मैं कहता हूँ आपको, आप लिख लीजिए, आपका है ना कि जो है कि अगर नहीं करते हैं तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। घोषणा पत्र का मतलब होता है कि आप घोषणा पत्र ले जाकर आप किसी भी समय FIR कर सकते हैं कि इन्होंने घोषणा पत्र कहा था और ये काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने विगत 20 वर्षों से हिंदू समाज के लिए काम किया है जी। राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, महावीरी पूजा हो, छठ पूजा हो, हम लोगों ने 20 वर्षों से लगातार छठ पूजा पर काम करते हैं। छठ पूजा के दिन जो है कच्चा दूध गाय बांटते हैं, लाइट लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, लोगों की सुविधा के लिए हम लोग काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए थे, गांव-गांव जाके लोगों को मदद पहुंचाए थे। हम लोग काम किए हैं और काम के बल पर हम लोग आज जनता के सामने वोट मांग रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या योगदान है? जैसे आपने गिनवा दिया हिंदू धर्म के लिए इनका ये योगदान है, ये योगदान है, ये योगदान है, अल्पसंख्यक के लिए बबलू शाह का क्या योगदान है सीवान के लिए, सीवान के अल्पसंख्यक के लिए? नाली और रोड बनता है तो सिर्फ एक जाति के लिए नहीं बनता है। नहीं, जिस तरह से आपने बोला कि ठीक है, इन्होंने 4 साल
वाइस चेयरमैन रहते हुए जिन्होंने रोड नाली बनवाया, केवल हिंदू के इलाके में नहीं बनाया, ये मुसलमानों के इलाके में बनाया, और वहाँ मुसलमान भी उनसे मिलने गए और उन्होंने मुसलमान का भी काम किया है। आज एक एक बात बता दीजिए, कोई मुसलमान गया हो इनके पास उनका ये काम नहीं किए हैं जो हैं हमारे लिए और सिवान के नौजवान साथियों के लिए। इनकी छवि जो है युवा से कम, योगी से कम नहीं दिखती है। अरे बाप रे, तो बहुत खतरनाक बात बोल दिए हैं आप, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो सिवान के लिए यही योगी हैं, सिवान के योगी हाँ बबलू शाह हैं। तो फिर तो एक कुछ लोग बड़ा प्यार करते हैं, कुछ लोग बड़ा उनको गाली भी देते हैं योगी जी को, लेकिन सबको साथ देखिए पड़ेगा तभी। ये दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% लोगों को खुश कर सके, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। मुझे भी लोग गाली देते होंगे, मैं भी किसी को गाली देता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं, 100% लोग उनको क्या बड़ाई करते हैं? अच्छा, गाली नहीं देते हैं? जवाब देंगे आप? हाँ बोलिए। बबलू शाह का लड़ाई किन से है? बबलू शाह का गोल घुमाइएगा नहीं। देखिए, बबलू शाह की लड़ाई किसी से नहीं है, नहीं, ये बात बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जिनको लड़ना होगा वो बबलू शाह से लड़ेगा, बबलू शाह किसी से नहीं लड़ने वाले हैं। आपके कैंडिडेट एक नंबर पे रहेंगे तो दो नंबर पे कौन रहेगा, ये आप पता कीजिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, आप पता कीजिए, नेताजी से पूछा। मैंने आपसे कह दिया, ना कि मेरी लड़ाई सुनिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जिसको भी लड़ना होगा हमसे लड़ेगा कोई। नेताजी कौन रहेगा दो नंबर पे, ये कोई जवाब नहीं देता। देखिए, जितना प्रत्याशी है लोग, मैं चुनाव हम लोग जीत लो, सबकी लड़ाई मेरे से है, लोग दो नंबर तीन नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दो नंबर की लड़ाई कौन कौन कौन? तीस तारीख को पता चल जाएगा कौन। नहीं, 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 अच्छा हम कैसे बता सकते हैं? आपको सब पता है, यहाँ बैठ के इतने। तीस तारीख को पता चल जाएगा जब ईवीएम मशीन खुलेगा ना, ना ना दो नंबर कौन है पता जाएगा। बताइए, अल्पसंख्यक मुस्लिम से कोई होगा दो नंबर पे या दो नंबर पे? क्या बोल रहे हैं, मेरी लड़ाई सब लोग मेरे से लड़ रहे हैं? नहीं, सभी लोग नहीं, सब दो नंबर के लिए लड़ रहे हैं। पता है, सब बात होती है, रणनीति तो तय होता है ना। किसी को पता, हम भगवान थोड़ी हैं, भगवान नहीं है पता है, भविष्य के गर्भ में छिपा है भगवान हमारे साथ। तो इतना तो कह सकते हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम से लड़ाई है या? मैंने क्या किया, सब लोग मेरे से लड़ रहे हैं। आप जिस धर्म से आते हैं उसी धर्म मेरे से सभी लोग लड़ रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही बने रहे, सारे कैंडिडेट्स हम लोग मिलेंगे और इसी तरह से मुद्दे पे बात करेंगे, ताकि चुनाव यहाँ का मुद्दे पे हो। ऐसे ही बने रहे, देखते रहे अलग अंदर।